सुल्तानपुर में मारपीट में घायल युवक के इलाज के दौरान मौत से नाराज परिजनों आज पुलिस कार्यालय गेट पर शव रखकर प्रदर्शन किया। परिजनों ने मांग की आरोपियों पर दर्ज FIR की धारा बढ़ाई जाए, साथ ही उसकी जल्द गिरफ्तारी करवाई जाए। दरअसल ये मामला चांदा कोतवाली क्षेत्र कोयरीपुर स्थित गड़मा गाँव का। बीते 15 जुलाई की रात इस गाँव के रहने वाले ब्रजेश को लक्षण ने अपने साथियों के साथ जमकर पीट दिया था। आनंद फानंद ब्रजेश को इलाज के लिए सुल्तानपुर लाया गया, लेकिन हालत गंभीर देख डॉक्टरों ने उसे लखनऊ रेफर किया। कल इलाज के दौरान ट्रॉमा सेंटर लखनऊ में ब्रजेश की मौत हो गई। आज परिजन वहां से शव लेकर सीधे पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे, प्रदर्शन करने लगे। परिजनों की मांग है उपरोक्त मामले में दर्ज मुकदमे में धाराओं की बढ़ोतरी करवाने के साथ आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी करवाई जाए। इसको लेकर ये सभी SP ऑफिस पहुंचकर प्रदर्शन करने लगे। छोटे छोटे बच्चों में विवाद हो गया था सर, हमारे पिताजी को मार दिया। हम लोग उनको लेकर CSC गाड़ी से अस्पताल गए और हमारे भाई को उठा कर ले गए, एक फार्म था उसी को मार दिए। और हम लोग उनको लेके आए जिला में, वहाँ रिफर कर दिए। राजेश गौतम किया ले गए, वहाँ नहीं कर दिए। AK सिंह किया लेके गए, वहाँ नहीं कर दिए। हमने लखनऊ ले गया, वहाँ तड़ी फट गए थे। वहाँ ऑपरेशन हुआ, ऑपरेशन में 8 दिन कामयाब रहे। 8 दिन के बाद जवाब देने लगे धीरे धीरे। कल हमको जवाब दे दिया। थाने पे नहीं गए आप? थाने पे नहीं गए? थाने पे FIR दर्ज करवाया, 3 बार थाना नहीं आया। ये कौन है जिनकी मौत हुई है? हमारा भाई है। क्या नाम है उनका? ब्रजेश। किसकी मौत हुई है? हाँ सर, आपका क्या नाम है? हमारा नाम राजीव कुमार है, उसका छोटा भाई हो। अच्छा ठीक, ओके ओके। वहीं SP ऑफिस पर शव रखकर प्रदर्शन की जानकारी लगते ही पुलिस प्रशासन में हड़कंप मचा। आनंद फानंद नगर कोतवाली पुलिस समेत कई अधिकारी मौके पर पहुंचे और परिजनों को समझाने में जुटी हुई है। फिलहाल अधिकारियों के आश्वासन के बाद परिजन शांत हुए। अभी मेरी जानकारी में नहीं है, अभी जस्ट बताया गया है तो मैं इसकी जांच करा ली। अभी तो हम लोग इनके साथ जा रहे हैं, अभी मरे हैं तो पहले उनका वो बाकी करा ले, उसके बाद जो भी इनके नियमानुसार मदद होगी पूरी मदद। मैम कहाँ का मामला है? खबर भारतवर्ष के लिए सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश से राज जायसवाल की रिपोर्ट। अपने शहर अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।